नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने आज मैनपुरी जनपद के विकासखंड बरनाल की ग्राम पंचायत खेड़ा मान की ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रिश्यामवीर कुशवाहा जी से की खास मुलाकात। प्रधान जी का संकल्प है कि वे ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और कोविड-19 कोरोना के दौरान करेंगे जनता की खास निगरानी। प्रधान जी का कहना है कि वे अपने नेतृत्व में हर गरीब व्यक्ति को रोजगार, पक्का मकान और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे। प्रधान जी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पुनः बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24x7। आज बात कर लेते हैं प्रधान जी से। आज हमारे बीच जो बचते थे वो किसी परिचय के परिचयदाता नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप देख रहे हैं हमारे सर जो बीच में बचते थे प्रधान जी है श्यामवीर कुशवाहा जी। श्यामवीर कुशवाहा जी प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खेड़ा मान से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सर हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो ग्राम पंचायत वासियों ने आपको प्रधान बनाया, आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत वासियों को कैसे आभार प्रकट करना चाहेंगे? पंचायत में जितना भी वोट मिला मुझको जी, मैं सभी और पूर्ण रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारी बहुमत से हमको विजयी बनाया जी। हमारी पत्नी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी जनता को जी। और अभी आगे भी जो भी कार्य किए जाएंगे जनता के हित में किए जाएंगे। समीर सर, पंचायत स्तर पर आप कौन कौन से वर्क करवा रहे हैं या करवाए हैं आपने जब से आप प्रधान बने हैं तब से? मैंने लमसम 5 तो सीसी करा दी जी अपनी ग्राम पंचायत में जी। और हेडपंपों की मरम्मत करा दी है, कच्चे भी काम करा दिए हैं, करीब 7-8 सड़कें डलवा दी हैं मैंने जी। और कोरोना काल में इधर नगला मूंज में डेंगू चला था, हमारी पंचायत का मजरा है जी। उसमें एक तालाब, एक पक्का नाला बनवाया है, फॉगिंग भी वगैरह करवाई जी। और नालियों की साफ सफाई टीम बरकरार 1 महीने तक काम करती रही हमारे यहाँ सफाई कर्मी। सर आपने देखा होगा भारत सरकार स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं आवास, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय होते हैं, आपकी पंचायत स्तर पर कितने लोगों की डिमांड है या आप कितने लोगों को रिक्वायर्ड है बताएं जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं आपके पंचायत स्तर पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, खुले में शौच जाते हैं? वैसे करीब अभी तो वैसे 400 लमसम शौचालय मकानों में बने हुए हैं जी। जो परिवार हैं 400 परिवारों के लिए शौचालय उपलब्ध है जी। बकाया के तो अभी बाकी बहुत पड़े हुए हैं। सर यही बात कर लेते हैं, आवास के रह रहे हैं ऐसे कितने लोगों रिक्वायर्ड हैं जिन लोगों को आवास की जरूरत है? हमारी पंचायत में कम से कम 200-250 लोग होंगे। 200-250 लोग, हाँ, जिनके लिए आवास बहुत जरूरी है जी। आपके यहाँ सर गौशाला है या नहीं है? गौशाला थी जी, लेकिन अब तो नहीं है जी। पिछली पंचवर्षीय में थी, वहाँ बनाई गई थी जी। लेकिन फिर वहाँ न तो ईंटे मिली न गौशाला मिली हमको, मतलब हमारा जब कार्यकाल आया तो न हमको गौशाला मिली न वहाँ ईंटे मिली, हमको कुछ नहीं मिला। अब देखो कार्य अगर आता है हमारे कार्यकाल में तो पूर्ण किया जाएगा। समीर सर आप युवा भी शिक्षित भी, सर युवाओं के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने कार्य योजना में ऐसा कुछ सोचा है या करना चाह रहे हैं युवाओं के लिए खासकर? युवाओं के लिए अब ये ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ से ज्यादा खेल मैदान होना चाहिए जी। तो उसके लिए अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी और जो भी मेरे मतलब शरीर से जितना भी बनेगा उतना पूरी पूरे ग्राम पंचायत की जनता के लिए, मैंने कभी पैसों की अहमियत नहीं दी है, जनता के हित के लिए काम किया। समीर सर आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, सर आप बताने का प्रयास करेंगे जो कल अपने यहाँ मतदान था, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर जनता ने जो वोटिंग की है जो 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए, आपको क्या लग रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव के कौन कौन से मुद्दे थे जिन्हें जनता ने देखकर वोटिंग की है? अब जनता तो ऐसा है हमारे यहाँ कुछ तो जातवाद से वोट पड़ा है जी, कुछ पार्टी से वोट पड़ा है जी, और कुछ जो कुशवा समाज के लोग हैं हमारे यहाँ तो कुछ एक दूसरे की पटीशन से भी वोट पड़ा है जी, जो एक दूसरे से लड़ाई मानते हैं जी, और कुछ सरकार के ऊपर जो काम काज के ऊपर उस पर वोट पड़ा है जी। जैसे कि अब आज के हमें आदमी मतलब सुरक्षित है, किसान सुरक्षित है, पानी लगा रहा है सुरक्षित तरीके से, स्कूल लड़कियां जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं तो फिर सुरक्षित घर पर लौट के आ रही हैं। जब पहले क्या था कि जब बच्चियां चलेंगे स्कूल से माँ बाप राह देख रहे हैं उनकी कि हमारी बच्ची कब आती है स्कूल से,
बच्चे कब आते, कभी अपहरण हो जाता है, अखंड हो जाते, कुछ हो जाते, बहुत सी सारे समस्याएं थी। आज बच्चे स्कूल, लड़के लड़कियां सब सुरक्षित हैं, अपने घर वापस आ रहे, तो यही मुद्दे हैं। स्वामी सर क्या बताने का प्रयास करेंगे, आप आपका जो क्षेत्र वो ग्रामीण क्षेत्र है, आप किसानों के बीच रहते हैं। सर आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी लोहनीय स्कीम चलाई गई थी, जैसे फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 36,000 करोड़ किसानों को कर्जा भी माफ किया गया था। आपने देखा होगा कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया गया, पीएम सम्मान निधि 6,000 रुपए पर ईयर दी। आपको सर क्या लगता है, सत्ता पक्ष का दावा ये था और है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आपको क्या लगता है सर, आपके यहाँ किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं? अभी तो नहीं हुई, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूँ जी। तो ये किसान, अब तो सरकार है, क्या करती है क्या नहीं करती है अपन पे डिपेंड नहीं करता जी। सर आपने देखा होगा 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जनता जिसको जिसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आपका सर क्या आकलन है कि कौन सी पार्टी की सरकार वापसी करेगी सत्ता में 10 मार्च 2022 को? मेरा तो आंकड़ा यही है कि सरकार तो वापसी बीजेपी कर रही है जी। और यहाँ से जो हमारी करैल विधानसभा है, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी सीधी कड़ी टक्कर है। अब कुछ भी हो सकता है, परिणाम तो 10 मार्च को ही मालूम पड़ेगा। आप देख रहे थे, हमारे साथ उपस्थित थे शमीर कुशवाहा जी, उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः वापसी करेगी। धन्यवाद।